प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला को आखिरकार नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद मिल गए। अध्यक्ष पद को लेकर कांता देवी व आशा कुमारी आमने सामने रही, जबकि उपाध्यक्ष पद को लेकर पपरोला से वार्ड 8 के पार्षद राजन चौधरी व पूर्व में रही नप उपाध्यक्ष वेदना कुमारी के बीच मुकाबला रहा। बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 11 की जनता का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने ग्रुप का जिसमें पार्षद अनीता मैडम जी हैं, रितु मैडम जी हैं, अमित चौधरी जी हैं, राजन जी हैं, राजेश कलेडी जी हैं, अमित कपूर जी हैं, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरे साथ साथ ये भी बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज कपूर जी का और अनिल सूद जी का, इसके अलावा अतिल कराज जी का, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस मुझे अध्यक्ष बनाने में, और रितु मैडम का खास तौर पे योगदान रहा है। मैडम चाहती तो खुद भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकती थी, लेकिन इन्होंने मुझे समर्पण किया, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी कैंडिडेट्स, सभी पार्षदों द्वारा जो है कैंडिडेट्स को वोट डाला गया, सीक्रेसी और वोट का पूरा ध्यान रखा गया, और जिस प्रकार से हमने वोटिंग कंप्लीट कराई थी बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से जो है हमारा वोटिंग का प्रोसेस रहा। काउंटिंग जब करवाई गई, काउंटिंग के दौरान जो है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के लिए दोनों कैंडिडेट्स को जो है 6-6 वोट्स बराबरी पड़े। तो जो हमारा म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल्स, HP म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल्स कहता है कि इन केस ऑफ अ टाई जो है कैंडिडेट ही विल बी डिक्लेयर्ड विनर, जो एक लॉट से डिसाइड किया जाएगा। तो दोनों कैंडिडेट्स की सहमति से जो है हमने लॉट तैयार किए गए, कैंडिडेट्स ने अपनी सहमति दी और उन्होंने ऑथराइज किया गया किया कि जो लॉट है वो मेरे द्वारा यानी अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही निकाला गया। तो पूरे प्रोसेस को हमने उनके सामने और सभी पार्षदों के सामने पूर्ण किया। ड्रॉफ लॉट्स के थ्रू जो है अध्यक्ष पद में श्रीमती आशा देवी जो है वो विजयी निकले, और उपाध्यक्ष पद के लिए श्री राजन कुमार जी जो है वो कैंडिडेट डिक्लेयर के लिए इलेक्टेड। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।